बिग बॉस सीजन 15 जिसे 72 घंटे हुए हैं और ऐसा लगता है कि 72 घंटों में कुछ इतना ज़्यादा हो गया जो कि बिग बॉस के पहले सीजन्स में कुछ दिनों बाद होना शुरू होता था। आपको बता दें कि लड़ाई तो ठीक है और अपना जो टेम्पर है उसे लूज़ करना भी हो जाता है, लेकिन फाइट इतनी ज़्यादा हो जाए कि कॉलर तक पकड़ लिया जाए तो क्या हो। हम आपको बताते हैं कि 72 घंटों में जंगल में मंगल भी हुआ है, लेकिन आपको बता दें जो जंगल का जो दंगल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और एक बार फिर से मेन जो हाईलाइट है वो है प्रतीक सहजपाल और जय भानुशाली को लेकर, क्या इनके बीच में हुआ है, आखिरकार कितना सही है कितना गलत है। हम आपको बताते हैं कि जिस तरह से, सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि जंगलवासी और घरवासी इन दोनों के बीच में जिस तरह के टास्क हुआ, टास्क के दौरान धक्का मुक्की हुई, एक दूसरे को धक्का मारा, और जिस तरह से शमिता शेट्टी और निशांत भट्ट, इसी के साथ आपको बता दें कि पहले ही जैसे हम आपको हमने बता दिया है कि ग्रुपिज्म जो है बढ़ चुका है, ग्रुपिज्म हो चुका है, अलायंस बन चुकी है, आखिरकार कौन किसके साथ है कौन किसके साथ नहीं है। करण कुंद्रा की भी फाइट हुई प्रतीक सहजपाल के साथ, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। लेकिन आपको बता दें कि मेन जो हाईलाइट हुआ है जय भानुशाली और प्रतीक सहजपाल के लिए, हम आपको बताते हैं कि आखिरकार इनके बीच में क्या हुआ है। और एक दोनों के इतने करीब आ गए थे, इतनी ज़्यादा तो होता है कि गुस्सा, एकदम जो गुस्सा होता है, गुस्सा काफ़ी ज़्यादा, जय भानुशाली में भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, प्रतीक सहजपाल में भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, और एक दूसरे को धक्का मुक्की करनी शुरू हो गई, धक्का देना शुरू कर दिया, कॉलर तक पकड़ी गई, जिसके बाद जय भानुशाली जो कि अपना काम जो है वो लूज कर गई और उन्होंने ये बोल दिया कि तू खत्म हो गया। और प्रतीक सहजपाल जैसे ही ग्रैब करी कॉलर जय भानुशाली की, तो जय भानुशाली जो है उन्होंने कहा कि गेम ओवर, अब कोई रूल्स नहीं है मेरे लिए, और कुछ ऐसी बात को बोला जो कि साइलेंट कर दी गई, जिसके बाद प्रतीक सहजपाल ने बोला कि मेरी फैमिली वालों पे, यानी कि कुछ ऐसी बात को बोल दी कि गाली तक बात आ गई कि गाली नहीं देना। और उसके बाद भाई प्रतीक सहजपाल जो है उनका तो गुस्सा, प्रतीक सहजपाल का जो गुस्सा था इतना ज़्यादा था, ग्लास भी तोड़ दिया गुस्से में, अपनी छाती पे एकदम मुक्का मारा और बोला अपना जो गुस्सा जो दिखा रहे हैं प्रतीक सहजपाल। और आपको बता दें कि जिस तरह से एपिसोड में दिखाया गया है, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा काफ़ी ज़्यादा दिखाया गया है, इतनी ज़्यादा शोर शराबा, इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, और जो अलायंस है एक दूसरे को लेकर जिस तरह से बोला जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि बाद में अफसाना खान जो है उन्होंने सबके लिए खाना बनाया, जंगलवासियों के लिए उन्होंने खाना भी बनाया, उन्हें खिलाया भी, और ये कहा कि मेरी कंप्लेंट होगी तो मुझे कौन बचाएगा। तो अफसाना खान जिन्होंने थोड़ा सा मूड चेंज करा सबका, और उन्होंने जिस तरह से खाना खिलाया लोगों को, और आपको बता दें कि उन्होंने स्नैक्स बनाए, और ये कहा कि बिग बॉस मुझे डांटे तो कौन रिस्पॉन्सिबल है। अफसाना खान रिएक्ट्स टू द इंस्ट्रक्शन टू विच एवरीवन इनसाइड द जंगल अरीना रेजेज देयर हैंड्स इन जॉय, इन शॉर्ट अलॉन्ग विद सम एक्साइटिंग दंगल कंटेस्टेंट्स ऑल्सो हैव देयर शेयर ऑफ मंगल, यानी कि ये मंगल हुआ है जंगल में, और जो दंगल हुआ है जंगल में वो प्रतीक सहजपाल और जय भानुशाली के मेन जो हाईलाइट है यही हुआ है, कॉलर पकड़ ली, धक्का मुक्की शुरू हुई, गाली गलौज भी हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई। हालांकि 72 घंटों में इतना ज़्यादा कुछ हो गया एक्सपेक्टेड नहीं था, हो भी सकता है, आगे क्या होता है देखते हैं, आगे इस जंगल में कितने और दंगल होते हैं और कितने और मंगल होते हैं। हालांकि मंगल काफ़ी कम होता है, दंगल काफ़ी ज़्यादा होने वाला है।